सो फाइनली प्रभास के सालार मूवी का टीजर आ गया है। वो भी सुबह के 5:12 पर। तो ये चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसी टाइम को क्यों आया। तो खैर अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर हम सालार के इंट्रो सीन को केजीएफ चैप्टर 2 के इंट्रो सीन से कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे डार्क टोन मिल रहा है और ये पूरा ही एक्शन बेस्ड है। लेकिन जो हमारे केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर था उसमें जो है इसका इंट्रो पूरा ही इमोशंस को टच कर रहा था। तो मूड टोन और कलर की बात चल रही है तो हम बात करते हैं इसके कलर्स के बारे में। तो ये जो हमारा सालार का टीजर है इसमें ज्यादातर डार्क ब्लू टोन यूज किया गया है, लेकिन जो हमारा केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर था उसमें कुछ इसमें येलो टोन भी था और डार्क येलो भी था, लेकिन इसमें येलो टोन मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं पर भी। तो ये पूरा ही डार्क थीम पर जा रहा है। तो इसके इंट्रो सीन में काफी सारे लोग ज्वाइन घेरे हुए हैं इनको, जो कि काले हैं, अफ्रीकन लोग रख रहे हैं। तो शायद से ये किसी और जगह पर शूट किया गया, मतलब कि ये हिंदुस्तान नहीं है, वो किसी और जगह को रेफर कर रहा है। इसमें कुछ खास डायलॉग्स वगैरह नहीं थे। इसमें एक मेन डायलॉग है जो इंट्रो पर ही आता है कि वही एलिफेंट लायन वगैरह। लायन चीता टाइगर एलिफेंट वेरी डेंजरस। तो ये इसमें जब बोलता है लायन चीता एलिफेंट वगैरह, तो इसमें एक कट सीन आता है जब ये कुछ सोल्जर्स या कमांडर्स आ रहे हैं तो इनको ये रेफर कर रहा है। अब ये बोलता है कि ये डेंजरस नहीं है जुरासिक वर्ल्ड में। तो इसके बाद प्रभास को दिखाई जाता है, मतलब प्रभास को एज ए डायनासोर रेफर कर रहे हैं। तो इसकी जो मेन शॉट्स है वो ज्यादातर केजीएफ की ही सेट पर शूट किए गए हैं। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे मिस्ट्री चीज के बारे में, इसको 5:12 पर ही क्यों रिलीज किया गया। तो इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में आना होगा, तो जहाँ पर हमारे रॉकी भाई लास्ट में जब शिप में होते हैं तो उस वक्त हमारे कुछ सामने कुछ घड़ियां होती हैं, उनमें काफी मुख्तलिफ टाइमिंग होता है, लेकिन इनमें से एक घड़ी में एग्जैक्ट 5:12 हो रहे होते हैं। तो हो सकता है इसमें रॉकी भाई की एंट्री हो जाए। तो यार मुझे ओवरऑल टीजर काफी बढ़िया लगा, लेकिन इसमें मुझे ये कमी लगी कि इसमें ज्यादा इमोशंस को टच नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हमें कन्फर्म होंगी फाइनल ट्रेलर आने के बाद, तो हम वेट करते हैं। लेकिन अभी मूवी की रिलीज होने में भी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं, 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टीजर के बारे में। आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।